जीत रसोई में आपका स्वागत है। आज बनाएंगे टमाटर पालक की सब्जी। तो कैसे बनाते हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमने लिए हैं लहसुन छिलका हुआ एक, प्याज हरे प्याज और टमाटर मिर्च और एक प्याज और पालक को हम उबाल कर ले लेंगे। जिस तरह मैंने पालक को उबाल लिया एकदम बढ़िया तरीके से, आप 5-6 मिनट उबालोगे तो एकदम बढ़िया उबल जाएगी पालक। फिर क्या करना है, पालक का उबाल कर जो पानी बचे वो निकाल देना एकदम। पालक सूखी सूखी रहनी चाहिए, वानी हाथ से या किसी चलने की सहायता से एकदम पानी एकदम बढ़िया तरीके से निकाल लेना। फिर हमें अब स्टार्ट करते हैं बनाना। तो उससे पहले हम लहसुन है, लहसुन को थोड़ा कूट लेंगे माम दस्ते की सहायता से और फिर निकाल लेंगे एक कटोरी में। अब इसी में ही अपन मसाला बनाते हैं। तो 2 चम्मच मिर्च डालेंगे, 2 ही चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा बहुत आपके मन ज़्यादा पसंद है ज़्यादा डाल सकते हैं, कम है तो कम, और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच नमक। आप कम ज़्यादा पसंद है तो उस हिसाब से आप डाल लेना। और इसमें थोड़ा पानी डालेंगे क्योंकि तेल में सूखा डालेंगे तो जल जाता है जल्दी, इसलिए थोड़ा पानी डालकर हमें पकाना चाहिए। तो अब क्या करेंगे, एक कढ़ाई लेंगे, उसमें तेल लेंगे थोड़ा सा। ये ध्यान रखना है तेल को हमें गर्म होने देना, कच्चा नहीं रखना। उसमें मसाले डालेंगे तो तेल भी नहीं पकेगा और हमारी सब्जी भी स्वाद नहीं बनेगी। तो एकदम गर्म हो जाए तेल, जब उसमें जीरा डालना है, और उसमें प्याज और वो कटी हुई एक मिर्च डाल देंगे। फिर 2-3 मिनट तक पकाएंगे, जब तक प्याज थोड़े गोल्डन ब्राउन होने लगे जब तक पकाएंगे इनको। अब इसमें मिर्च मसाला डाल देंगे जो हमने बनाया था। जो अब अच्छी तरह से मिर्च मसाले को पकाना है हमें, तो इसको इस पे ढक लगा कर रख देंगे 2-3 मिनट तक। जिस अब देखिए हमारा 2-3 मिनट बाद में एकदम बढ़िया तरीके से मिर्च मसाला पक गया है। अब इसमें डाल देंगे टमाटर। अब टमाटर को हम 1-2 मिनट तक पकाएंगे और ये डाल देंगे हरे प्याज। थोड़ा सा धनिया एकदम ऐसे बढ़िया पक गया है। अब इसमें डाल देंगे हमारी जो उबली हुई पालक थी, पालक डालकर अब अच्छी तरह से मिला लेंगे मिर्च मसाले में। 1-2 मिनट तक अच्छी तरह पका लेंगे जिससे हमारी पालक भी थोड़ी गर्म हो जाए और एकदम बढ़िया तरीके से पक जाए। इस प्रकार हमारी टमाटर और पालक की सब्जी तैयार है एकदम बढ़िया तरीके से, और खाइए और बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो आप भी बनाकर खाएं, और हमारी विधि अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।